मशहूर मांड गायक सतार खान खेजड़ना नहीं रहे। पीपल और बिलाड़ा के बीच स्थानीय गांव खेजड़ना मांड गायक सतार खान का दिल का दौरा पड़ने से अंतिम सांस ली। उनके परिजन कासम खान ने बताया कि सतार खान 1950 में उनका जन्म हुआ था। उस समय उन्होंने 8वीं पास की थी। 1984 से आकाशवाणी से अपने गानों की प्रस्तुति दी। सतार खान कई देशों में अपनी पहचान बनाकर राजस्थान का नाम रोशन किया। इसके मशहूर गीत कुजड़ा तोरणिया केसरिया हजारी रुलरो फूल माड़े हिजड़ा रो हार ऐसे अन्य गाने गाकर राजस्थान का नाम रोशन किया था। इनके एक भाई करीम खान उन्होंने भी गायकी में अपना नाम कमाया था। दोनों कई समाज सेवा में भी अभूतपूर्ण योगदान रहा। नमस्कार जी, मेरा नाम कासम खान है। मैं जलदाय विभाग में कार्यरत हूँ पाली, और वो मेरे काकी ससुर जी थे। नाम इनका था सतार खान जी खेजरला। वो खेजरला गांव के निवासी थे और इनका कल 11:30 बजे हार्ट अटैक आने से उनका इंतकाल हो गया था। बड़ी दुख की बात है कि आसपास में गांव में जोरदार लहर छा गई है कि सतार खान जी का इंतकाल हो गया है। उनको मांड लोकगीत का बहुत शौक था और उनके बड़े भाई साहब जो करीम खान खेजरला, उनका भी बड़ा नाम था। उन्होंने देश और विदेश में उन्होंने भी नाम कमाया और सतार खान जी करीम खान जी से ये सब गाने वगैरह सीखे थे। करीम खान जी तो इस संसार चले गए, फिर सतार खान जी को सिखाए, फिर सतार खान जी अपनी करीम खान जी की गद्दी संभाली और सतार खान जी ने बहुत ही जोरदार नाम कमाया देश विदेश में। बड़े बड़े मंचों पर उन्होंने काम किया है और वो समाज सेवी थे, गायों की सेवा करते थे और गौशाला के सदस्य भी थे। वो आसपास में गांव में जाकर के चंदा ला करके गायों की सेवा करते थे वो, और बहुत ही समाज सेवी थे और गांव में उनका अस्तित्व भी अच्छा था और बहुत ही जबरदस्त उनका नाम था। धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए